सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयां कि माता रानी सबके घर में आए और आप सब कुशल मंगलमय रहें ताकि हमारी जीवन भी वैसे ही कुशलता के साथ चलते रहे। आई एम फाइन, मैंने बढ़िया। बॉम्बे में आए तो थोड़ा सा अंग्रेजी मार देते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, प्रदीप जी और पराग जी, लिट्टी चोखा रिलीज पर है, बस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दिन, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग बताएं जरा। देखिए, लिट्टी चोखा के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे हमारे राज्य की सबसे अच्छी भोजन है। इसके तैयारी के लिए ज्यादा सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं होती है, ये इतना स्वादिष्ट है। और ये लिट्टी चोखा सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं, मुझे लगता है कि जमीन से जुड़ी कहानी है। हमने किसान के मुद्दों को एक जागरूकता की तरफ लोगों के बीच में कि किसान की कितनी परेशानियां हैं, तो हम देखिए नेता तो है नहीं कि हम अपने पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे या संसद भवन में हम इस बात को बोलेंगे। हम एक आर्टिस्ट कलाकार हैं, तो हमारे पास एक ही माध्यम है जो सिनेमा है, पर्दे हैं। तो उस पर्दे के माध्यम से ये डायरेक्टर है पराग पाटिल जी, ये प्रोड्यूसर है, तो हम किसी की समस्या को पर्दे के माध्यम से ही दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ, ये सिर्फ आप ही का कष्ट नहीं, पूरे देश की समस्या है। तो ये पूरे देश की समस्या है जो किसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि दवा के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, बट अन्न के बिना इस धरती पे कोई नहीं जी सकता। पूरी धरती की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या चाइना हो, दुनिया की कोई भी राज्य हो, देश हो, मुझे लगता है कि किसान अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हम कमाते हैं क्या? तो हमेशा आदमी कहता है कि दो रोटी कमाने के लिए, लेकिन वो रोटी कौन कमाता है? हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी कमाने नहीं आते, हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी हमारे लिए अगर कोई कमाता है तो किसान कमाता है। तो इसलिए हर पूरे किसानों को सम्मान है, और मैं किसान के बेटा होने के नाते मेरे पास जो जरिया है, उस जरिया की वजह से मैं जाना जाता हूँ, तो हमारे पास जो माध्यम है उसी माध्यम से किसानों की समस्या को मैंने दुनिया के बीच में रखी। पराग जी, कहाँ थिएटर्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है फिल्म, डेट के साथ बताएं, फिर आगे का सवाल करते हैं। 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है, बिहार में, झारखंड में, नेपाल में और यूपी में। शायद से 22 तारीख का डेट होगा मुंबई का, क्योंकि 22 से यहाँ पर सिनेमा घर खुल रहा है। गुजरात 15 तारीख से जी। प्रदीप जी, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं फिल्म के रिलीज को लेकर, क्योंकि बड़ी फिल्म है तो इसके लिए रिलीज की जो तैयारियां हो वो भी ग्रैंड ही होंगे? हाँ बिल्कुल, सारे जगह हमारे थिएटर्स बुक है, और जो इन्होंने पराग जी ने बताया अभी सारे स्टेट के बारे में, सब जगह हमारा पूरी तरीके से। खेसारी जी, क्या प्रमोशन करने जा रहे हैं, थिएटर्स में विजिट करेंगे जैसे पहले होता था? ज्यादातर थिएटर्स में आर्टिस्ट जाते थे सारे और इंटरेक्ट करते थे ऑडियंस के साथ, वैसा होगा? देखिए, कुछ सिनेमा होते थे जो सिनेमा उस लायक नहीं बनती है, कभी कभी आदमी प्रमोट करता है, कुछ सिनेमा ऐसी बन जाती है कि हमारे बीच की समस्या होती है। और कोविड को ध्यान देते हुए, सबके अपने जीवन का बचाना है, तो कोविड के सरकार की भी हमें परमिशन बहुत कम मिल पाती है कि हम कहीं जा पाए, और हम जाते हैं तो भीड़ ज्यादा होती है और संभाल नहीं पाता आदमी। तो मैं देखता हूँ कितनी समस्या है, कितनी क्या चीजें हैं, अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो मैं जरूर लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि उनके बीच में जाकर मैं अपने दुखों को सुनाता हूँ, अपनी की हुई चीजों को बताता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके बीच में जाऊँ। लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया हो जाती है, आज के कोविड जब से आया है तब से बड़ा कुछ सोच के करना पड़ता है, भीड़ वाली जगह पे हमें थोड़ा सा रोक रहता है कि आप नहीं जा सकते, कार्यक्रम के भी लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोविड जब तक, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन, क्या बोलते हैं, दो डोज का वैक्सीनेशन, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, हमको बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, अंग्रेजी शब्द है तो आप समझ ही रहे हैं आनंद जी। जी, अरे भाई, और जिस तरह से आपने कहा कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी और शायद कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वो कहीं ना कहीं शायद उन्हें नुकसान पहुंचे। आपकी ही फिल्में बैक टू बैक रिलीज हो रही है, जब से फिर से थिएटर खुला है उसके बाद आपकी ही फिल्में, खेसारी लाल की फिल्में रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, इस पे आपकी रिएक्शन? देखिए, ऑडियंस क्या होती है कि हमारे जैसे मंदिर का गेट खुलता है, तो मुझे लगता है कि मंदिर जो है वो सिनेमा हॉल हो गया, और उसमें भगवान आता है, भगवान आता है अपने भक्त से मिलने। तो भक्त जहाँ, देखिए होता क्या है कि इस दुनिया में भक्त से
भगवान से भी बड़ा भक्त होता है, क्यों जहां चाहता है अपने भगवान को बुला लेता है। तो हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है जो हमारे लिए हमारे भगवान हमेशा हॉल के दरवाजे पे आते हैं और हमें श्रद्धा का फूल और आशीर्वाद चढ़ा कर जाते हैं। तो मैं लगातार चोरी चोरी चुपके चुपके का भी बहुत बड़ा इनिशियल रहा, बाप जी का बहुत बड़ा इनिशियल रहा, और हमारे मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा भी उससे बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उसमें एक बाप बेटे की समस्या थी, चोरी चोरी चुपके चुपके में एक बिगड़े लड़के की समस्या थी कि हमारे घर की जो लंदन में रहते हैं उनको लगता है कि नहीं बीर बार ही बहुत कुछ है ये चीज़ें, तो उस समस्या से सुलझी हुई और उलझी हुई वो कहानी थी। ये है एक किसान का समस्या है, तो ये पूरे देश की समस्या है। तो हम मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करूँ तो उसमें समस्या ऐसी हो जिससे उभरा जाए और दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारा देश अभी भी बहुत पीछे, और हमारा खास करके बिहार राज्य जहाँ पे रोजगार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश, और हमें दुनिया प्यार इतनी देती है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य के लोग की समस्या पूरी दुनिया को दिखाई जाए।